अगर हम 100 भाई बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं और एक कोई प्रपोजल रखते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम तलवार उठा लें और मार्केट शुरू कर दें, जो बच जाए उसी का हो जाए। या फिर दूसरा ये है कि भाई शांतिपूर्वक हम अपनी बड़ी बात कह दें और जिसके पक्ष में ज्यादा हो तो उसे लागू कर देना चाहिए, होता है, और दूसरों को मान लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर है, आज हम 25 नवंबर को मना रहे हैं, किसी कारण से कोई बात नहीं। काफी लोग, सभी लोग हम सुनते होंगे आए दिन के संविधान बचाओ। आज भारत का लगभग हर आदमी संविधान बचाओ कर रहा है। इससे ये तो होता ही है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं। कम से कम इतनी बात तो है कि हमारी इच्छा है। लेकिन बात क्या होती है कि जब हम अपने स्वार्थों की बात आती है तो फिर थोड़ा सा दरकिनार हो जाते हैं और उस मार्ग से हट जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पहली बातें याद नहीं है या पसंद नहीं है। हर किसी ने महाभारत देखा, कई बार सुना, हर किसी ने रामायण कई बार सुना, सबको राम का रावण अच्छा लगता है, रावण का खराब लगता है, दुर्योधन का खराब लगता है, अर्जुन का अच्छा लगता है। लेकिन हम जब ये जद्दोजहद होती है, हमारे मन में कोई बातें आती है, तो हम अपने को अर्जुन के रोल में देखते हैं, सामने वाले को दुर्योधन के रोल में देखते हैं, चाहे वो सामने वाला कितना ही सही क्यों ना हो। इसी तरह से राम हम हैं और रावण दूसरा है। सिर्फ ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा जब हम समझेंगे, जहां भी कोई बात आती है, कहीं भी आ जाए, फिर हटने की बात आ जाती है। अभी कोई भी गलत से गलत या सही से सही कोई बात हो, हमारे इतने अधिवक्ता बंधु हैं, उनकी तो मैं नहीं कहूंगा, उनका तो प्रोफेशन है, लेकिन आदत यह है कि अगर कोई मर्डर करके भी आ जाए और कोई दूसरे सामान्य व्यक्ति से भी पूछने लगे तो उसको बचने की तरकीब बताने लगेगा। कोई भी क्राइम करके आया, उसे बचने के भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले, फिर क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से जज साहब के पास, यार कहां के रहने वाले हैं, कैसे कैसे नहीं है। तो हम संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आ जाती है तो लीक से हट जाते हैं। समय बहुत कम है, बहुत विद्वानों को बोलना है, मैं यही सभी से गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारा